लॉकडाउन में नरमी से कोरोना फैलने लगा। 24 घंटों में पाकिस्तान में मजीद 31 संवाद, तादाद 834 हो गई। 1581 नए केसेस सामने आ गए। मुतासर अफराद की तादाद 38,799 हो गई। सिंध में 14,916, पंजाब में 14,201, खैबर पख्तूनख्वा में 5,678, बलूचिस्तान में 2,457 अफराद मुतासर। पंजाब में पीर से शॉपिंग मॉल्स और ट्रांसपोर्ट खोलने का ऐलान। वजीर आजम की अपील पर खैबर पख्तूनख्वा भी ट्रांसपोर्ट खोलने को तैयार। सिंध और बलूचिस्तान ने ट्रांसपोर्ट खोलने की मुखालफत कर दी। आज से अंदरूने मुल्क परवाजों का आगाज। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा से परवाजें ऑपरेट होंगी। पहली परवाज दोपहर 1 बजे कराची से लाहौर के लिए जाएगी। लाहौर से कराची की परवाज शाम 4 बजे रवाना होगी। इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन 31 मई तक मौतल रहेगा। खेल के मैदान से बड़ी खबर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम द्वारा इंग्लैंड के लिए तैयार। बरतानवी मीडिया का दावा, 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 5 अगस्त से होगा। पाकिस्तान टीम मुमकिन तौर पर जुलाई के अवाइल में इंग्लैंड पहुंचेगी। कराची में फिर हीट वेव का खतरा। 17 से 21 मई तक पारा 41 डिग्री तक जा सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। पंजाब और बलूचिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क। और लॉकडाउन के दौरान आप पर क्या गुजरी, आपने क्या सीखा, अपने तजुर्बात हमसे शेयर करें। हम दिखाएंगे दुनिया को अपनी वीडियोस, तस्वीर और आप भी 03171124224 पर व्हाट्सएप करें। खेल के मैदान से बड़ी खबर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम द्वारा इंग्लैंड के लिए तैयार। बरतानवी मीडिया का दावा, 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 5 अगस्त से होगा। पाकिस्तान टीम मुमकिन तौर पर जुलाई के अवाइल में इंग्लैंड पहुंचेगी। कराची में फिर हीट वेव का खतरा। 17 से 21 मई तक पारा 41 डिग्री तक जा सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। पंजाब और बलूचिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क। और लॉकडाउन के दौरान आप पर क्या गुजरी, आपने क्या सीखा, अपने तजुर्बात हमसे शेयर करें। हम दिखाएंगे दुनिया को अपनी वीडियोस, तस्वीर और आप भी 03171124224 पर व्हाट्सएप करें।